कुछ अरसे से रमजान में जहाँ रमजान ट्रांसमिशन होती थी, माशाल्लाह ये भी नया ट्रेंड शुरू किया है ग्रीन टीवी ने, इसी तरह रमजान में एक चीज जिसका लोग इंतजार करते हैं वो है रमजान के शोज, और वो मजेदार होते हैं, मजाहिया होते हैं। लास्ट ईयर भी आपने किया, इस साल भी आप ग्रीन के लिए कर रहे हैं, तो ये मुझे लास्ट ईयर वाला पहले उसमें बताओ जिसमें एक बहुत बड़ी फैमिली और उसके साथ दानिश तैमूर के अब्बा बन गया। आई थिंक वो चांद था, हाँ वो जो सीरियल था वो मजेदार कैसा होता है जिसमें इतनी बड़ी फैमिली होती है, कॉमेडी होता है, वो मुश्किल होता है शूट करना मुश्किल होता है, चैलेंजेस होते हैं डायरेक्टर के लिए भी और टीम के लिए भी। और फिर ये होता है कि जो जिस तरह से रमजान की प्रोग्रामिंग है उसमें फैमिली ओरिएंटेड सब कुछ दिखाया था, अब वो एक आर्किटाइपल एक फॉर्मूला बन गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाएं, तो दादा से लेके तो पोते तक, और वो सारे और तकरीबन हर कैरेक्टर हर सीन में है। तो जो हम काम करते हैं हम जानते हैं कि फिर वो एक जब इतने सारे लोग एक सीन में हों तो उसको करना जो होता है एक सबर का इम्तिहान है। आप एक घर में शूट, हाँ एक दिन में, कमरे में आधे दिन में होता है सीन, और वो भी बहुत छोटा था, मतलब बार 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 घर क्यों इतना छोटा था कैरेक्टर के हिसाब से। मैंने इतना छोटा घर कभी नहीं देखा किसी ड्रामे में, शॉर्ट्स ही नहीं बन रहे थे। अच्छा खैर, इस दफा आपने माशाल्लाह ग्रीन के साथ काम किया, हिना दिल वजीर के साथ जो काम किया वो कैसा एक्सपीरियंस? हाँ हिना ऑफ कोर्स चीज पहली दफा किया हिना के साथ, एक्चुअली पहली दफा हिना ने जो पहला प्ले किया था वो मैं और सानिया थे उसमें। अच्छा, और एक कैरेक्टर जो छोटा सा कैरेक्टर था जिसके लिए सॉर्ट ऑफ एक सीन था उनका, लेकिन उन्होंने इतने कमाल तरीके से किया, उस वक्त वो शायद शो बिजनेस में उस तरह से आई भी नहीं थी। तो हमने पूछे कौन है ये, कौन खातून है, उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया खुद मुलाजिमा का, और वो इतना ऑथेंटिक और इतना जबरदस्त था। हाँ। बंगाली जीनियस है वो बंदी, कहाँ से आइडिया लाया, गेटअप वगैरह डायलेक्ट। आदिया मैंने भी ऐसे एक प्ले किया, उसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था, उसमें हिना दिल वजीर आई और हम लोग कर रहे थे काम, और उनका जो कैरेक्टर आया बोलना मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने डायरेक्टर से बोला ये कौन है, शी वॉज दैट गुड। और दूसरा तो तीसरा प्ले था, फिर उसके बाद मैंने देखा होते 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 हिना, उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी कमाल की चीजें की हैं वो कुदूसी साहब। अच्छा, और साथ में और कौन है इसमें? जावियार नुमान साहब, सहीफा। अपना कैरेक्टर बताएं इसमें, व्हाट आर यू प्लेइंग? बहुत फनी है, फनी मजाहिया, एक बेगम से डरने वाला शौहर, शदीद किस्म की। और बेगम है ना? नहीं, बेगम है वो बहुत मुश्किल होगी ढूंढने में रिश्ता। शाहीन खान देखो ना, भूल गए, सॉरी शाहीन, पता नहीं, मैं आई हैड अ ब्रेन फेड हियर। सो शाहीन खान ने बहुत दबंग रोल किया, बहुत जबरदस्त, और वो एक पंजाबी में कहते हैं डाडी माँ और डाडी बीवी इसका रोल, और ये डरने वाला हस्बैंड, ये हस्बैंड जो यस सर थ्री बैग्स फुल सर, यू नो वो वाला हस्बैंड, यस। हमारी मामी है ना, उनको कोई मसला बताओ ना, दाने लिख रहे मामी है, एक्नी हो रही है, बेटा शादी करोगी ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घुटने में दर्द हो रहा है, टॉप में गिर गया, टांग में दर्द है, बेटा शादी कर, हर बात मुड़ के शादी पे ही आई, बाल गिर रहे हैं, शादी कर लोगे ना सब ठीक हो रही है। मैंने कहा शादी है, कोई सर्जरी है, क्या है ये, आप वैसे शादी दफ्तर अब खोल ही लें। मुझे लगता है कि रेहान को डर लगता है शादी का, हो भी सकता है, अभी डॉक्टर को दिखाया कि क्यों मैं ऐसे साइकोलॉजिकली भागता हूं भाई, लेकिन आपको दिखा रहा हूं, मुझे वही फीलिंग आ रही है, डॉक्टर ही आपको ही ना कोई, वो मैं हैरान हूं कि एक लड़का जिसकी दो बहनें हो, बहनों ने नहीं देखा रिश्ता, हाँ उन्होंने ट्राई की थी अपनी तरफ से सब ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा मोहब्बत तो हुई होगी, मुझे कहा आपने शुरू में जो बात मैं मिस कर। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।